सो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे, और दुआ करता हूँ आप सब एकदम मस्त होंगे। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसी हिस्टोरिकल जगह जहाँ पे लोग बाहर से तो लोग आते घूमने, लेकिन मैं लखनऊ का निवासी हो के भी आज तक घूमने नहीं गया वहाँ पे। मतलब एक बार स्कूल का बंक मार के दोस्त लोगों के साथ गया था, लेकिन उतना अच्छे से घूम नहीं पाया। बस एंट्री हुई और वहाँ पे थोड़ा बहुत बाहर का नज़ारा देख के वापस हो ली थी, क्योंकि उस दिन स्कूल का हाफ डे था, हम लोग को जल्दी लौटना पड़ा था। तो आज हम लोग वापस उसी जगह जा रहे हैं अच्छे से घूमने, और पूरा एकदम देखेंगे भूल भुलैया और इमामबाड़ा। और हम मतलब मैं जा रहा हूँ अपने ताऊ जी के साथ, तो ताऊ जी से मिलवाता हूँ, वो भी एकदम तैयार मस्त बैठे हैं। तो लीजिए मिलिए ताऊ जी से, देखिए एकदम स्मार्ट बन के बैठे हुए ताऊ जी। से हाय टू माय व्लॉग। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? सबको हाय बोल दीजिए एक बार ऐसे करके। चलिए आइए चलते हैं, तैयार है ना? आज हम जा रहे हैं मुगल सल्तनत की ताजा याद करने के लिए, और उन मुगल सल्तनत के बादशाहों की मोहब्बत की कहानियाँ जिसमें लिखी हुई हैं उसकी याद ताजा करने के लिए हम इमामबाड़ा जा रहे हैं। इमामबाड़ा ये भी एक 2500 वर्ष के इतिहास की कहानियाँ हैं, वहाँ हमें देखने को मिलेंगी। वो असफुद्दौला द्वारा निर्माण किया गया था 1784 में। ये लखनऊ है, यहाँ की सरजमीन है, ये गंगा जमुनवी संस्कृति है, जहाँ पे भाई प्यारे की भावना आज भी जिंदा है। चलिए इसी बात पर चलते हैं बिना देरी किए। अच्छा ताऊ जी, ये बताइए बाइक से चले जाए कि कार से चले जाए? अरे जनाब मन बल खुदार, आप भी क्या बात करते हैं, पुरानी तवारीख में जा रहे हैं, पुराने इतिहास को दोहरा रहे हैं, तो हमको तो हमसे रिक्शे से जाना चाहिए, टांगे से जाना चाहिए। अरे रिक्शे से जाएंगे तो एकदम काले हो जाएंगे धूप में। बाइक से चलते हैं, कार से चलते हैं, बाइक का मजा अलग है। हाँ बाइक से चलते हैं। तो हम लोग हो चुके एकदम रेडी, लेट्स गो। यार गाइस, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी कि यहाँ पे आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, उसके लिए बेहद माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि गाड़ी का जो टिकट है वो 20 रुपये पड़ा है, हम लोग एंटर कर रहे थे। और ये नक्शा था बड़ा इमामबाड़ा का। तो गाइस, मैं जा रहा हूँ टिकट लेने, देखिए वहाँ से मेरी एंट्री हुई है उधर से, और यहाँ पे अब आ चुके हैं, यहाँ पे टिकट काउंटर है। गाइस यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए मना कर दिया है, मतलब कैमरा लाने के लिए मना कर दिया। तो मैंने किसी तरह कन्विंस किया उन्हें कि कैमरा नहीं है, मतलब हेलमेट पे लगता है। अब देखते हैं इसमें कहाँ तक रिकॉर्ड कर पाता हूँ कहाँ तक नहीं। वैसे मैं एंट्री ले चुका हूँ यहाँ से, पीछे देख सकता है मेरे गाइस ले लो, बहुत बड़ा है गाइज ये, बहुत ज़्यादा बड़ा। और एक चीज़ और याद आ गई, हम लोग जो स्कूल बंक मार के गए थे ना, वो यहाँ नहीं आए थे, वो रेजिडेंसी गए थे, यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। तो अभी देख के मुझे याद है ये वो जगह नहीं है जहाँ पे हम लोग गए थे। अभी हम लोग जा रहे हैं गाइड लेने। टिकट का मैं आपको बता दूँ तो बाइक का टिकट है वो है 10 रुपये का, और यहाँ का जो टिकट है वो है 50 रुपये पर हेड गाइड का, और यहाँ पे गाइड का भी 100 रुपये दो लोग का। तो गाइज एंट्री तो ले ली मैंने, बस गाइड का वेट कर रहा हूँ मैं। जहाँ तक मुझे पता ये मतलब उस टाइम यूज़ किया जाता था, और रिफ्लेक्शन के लिए, जो इसमें दिए होते थे ना तो उसके रिफ्लेक्शन के लिए ये यूज़ किया जाता था ये शीशा। गाइस वैसे अच्छा ही हुआ कि मैं ट्राइपॉड भूल गया, क्योंकि अगर ट्राइपॉड लाता तो पूरा शक हो जाता कि हाँ ये कैमरा ही है। वैसे उन लोगों को भनक नहीं लग पाई कि हाँ कैमरा है एक्चुअल में। गाइस हम लोग को थोड़ी अंधेरी वाली जगह में ले जा रहा है, यहाँ पे फ्लैश लाइट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए फ्लैश लाइट भी मैंने लगा लिया है। अच्छा वो मैं ले आया यहाँ पे शाही गौली में, आगे पीछे चले आप लोग, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है लाइट। अच्छा यहाँ पे लाइट वाइट का कोई सिस्टम नहीं? नहीं नहीं, यहाँ पहले के जमाने में सिपाही आते थे, यहाँ लैंप रखते थे, मशाल को हाथ में लेके चलते। अच्छा यहाँ से सिपाही पहले वाले, अभी कोई इसमें रात में नहीं रुकता। सामने काम हो चुका है आपको, सामने कुछ बिल्डिंग बनी हुई नजर आ रही है, मगर अंदर से इसका काम बाकी है। भाई ये रंडा भाई मिल गए थे आज, मेरे कैमरामैन यही है, यही इससे खराब लगता है, पूरा गंदा कर देते हैं, देख रहे पूरे आप। मैं आपको इसकी बात समझाता हूँ, इधर क्या दिख रहा है आपको, पानी में कलरफुल दिख रहा है, वर्ल्ड का फर्स्ट नेचुरल सीसीटीवी वाटर कैमरा है ये, किसी पानी में आपको कलर नहीं दिखाई देगा इस पानी के अलावा। टीवी चल रहा है और ये पानी बहुत ही गंदा है,
एक महीने पुराना है ये बारिश का गंदा पानी। डेढ़ वो तो सीसीटीवी काम करता है। सीसीटीवी आप देखिए, आप एंट्रेंस के लोग यहाँ से देख रहे हैं लेकिन वो तो आपको इमेजिन भी नहीं कर पा रहे, आप अंदर उनको देख रहे हैं। अगर कोई नीचे उतरता था पहले, एंट्रेंस है क्या व्यू? ये व्यू जी हाँ, जहाँ मैं यहाँ पे मैं खड़े हो गया आपको बता रहा था वहीं का व्यू तो है। कलरफुल लोग दिख रहे हैं, जैसे लग रहा शीशा रखा हुआ है, गंदा पानी। अगर कोई नीचे उस जमाने में उतरता था तो वो ऊपर नहीं चढ़ पाता था, नीचे उतरा और तीर मार दिया। तीर कहाँ से मारा? गेट के पास वो दिख रहा है, खिड़की दिख रही है, वहाँ पे सीढ़ियाँ दिख रही है, वहीं पे तीर मारा। अब हम आपको दिखाएंगे कुआं जिसमें चाबी लेके कूद गए थे खजांची। चाबी फेंका था कि कूद गए? कूद गए थे लेके जी, इतने वफादार लोग थे यहाँ। 15 सीढ़ियाँ ऊपर तो गाइस इसमें चाबी फेंकी गई थी। तो ये लेकिन ये बताइए कुआं ज्यादा गहरा तो है नहीं? तो चाबी ये बिल्डिंग वाटर स्टोरेज के लिए बनाई गई थी। गोमती नदी से पानी यहाँ पे आता था, यहाँ के पानी से बाहर की मस्जिद बनी है, फिर इमामबाड़ा बना था। अंग्रेज जब आए तो खजांची ने खजाने की चाबी लेकर इसके अंदर कूद गए, उन्होंने अपनी जान दे दी, मगर अंग्रेजों के हाथ खजाने की चाबी नहीं लगने दी। सन 2012 में दो लोग इसमें सुसाइड कर चुके हैं कुएं में, इसलिए इसको ऊपर से कवर करा गया है। पानी नीचे से है, कूलिंग मिली आपको बिल्डिंग में? हमेशा रहती। अगर कुआं सूख गया होता, फाट दिया गया होता तो कूलिंग आपको ना मिलती, कुआं एकदम बिल्डिंग ड्राई होती, क्योंकि बिल्डिंग ना है। 7 स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें 4 स्टोरी अंडरग्राउंड है, 3 स्टोरी आपको दिख रही है। मुझे 3 स्टोरी है, 4 स्टोरी जमीन के नीचे जिसका रेनोवेशन चल रहा है। अगर सही स्पीड पे काम होता रहा, आने वाले 5-10 साल में नीचे के फ्लोर भी ओपन कर दिए जाएंगे जी। अब हम आपको लेके चलेंगे शाही बौली कुआं, सॉरी भूल भुलिया लेके चलेंगे। देखिए हम भी भूल जाते हैं क्योंकि हम गाइड भूल भुलिया के हैं। कुछ समझदार लोग आते हैं यहाँ पे, वो बोलते हैं यहाँ पे जो है यहाँ बेगम सब नहाते हैं। समझदार लोग, क्या बात है। लखनऊ वाले आप हमारे यहाँ घूम रहे तो हम आपको बता दें, लखनऊ रिस्पेक्ट सिटी, तहजीब का शहर है। तहजीब भले तहजीब के लिए ही माना जाता है, तहजीब का शहर है ही और रहेगा हमेशा, चाहे जितनी बदतमीजी हो जाए। अब ये बताइए बिल्डिंग के अंदर आप लोग गए थे, नीचे से गए थे या ऊपर से गए? हम लोग नीचे से गए थे ना, यहाँ से वहाँ तक गए हम लोग, यहाँ से। अच्छा, हम लोग नीचे से गए थे और यहाँ से निकले। और जा गए जी, हम लोग वहाँ पे चढ़े भी तो थे, सीढ़ी 15 सीढ़ी चढ़े थे ऊपर। हाँ भाई, इसी कुछ समझदार लोग कहते हैं हम लोग ऊपर से गए थे, तो दरवाजा उनको दिखता नहीं, हम कहते हैं फिर नीचे से गए थे। ये जो डिज़ाइन है ना वो एकदम एग्जैक्ट सेम है, इसीलिए लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। नील नितिन मुकेश चिंग चाऊ बहुत सारे नामों से हमको यहाँ बुलाया जाता है, नेपाली भी कोई कह देता है, बिकॉज आई एम इंडियन हॉलीवुड। तो यहाँ पे नेशनल सीसीटीवी कैमरा देखा था आपने, 250 साल पुराना, और जो आज यहाँ कैमरा लगाए गए थे यहाँ पे खराब हो गए, और जो जमाने में आते थे ये हम आपको समझा रहे हैं ना। टॉप फ्लोर पे जाने के लिए 84 स्टेयर्स हैं, और भूल भुलैया में जाने के लिए आपको 45 स्टेप से यहाँ से एंट्री मिलेगी भूल भुलैया के अंदर। टोटल कितने? 84। चलना कितने? 45 स्टेप। गेट नंबर 786 इसी गेट से एंट्री है और इसी से एग्जिट है, दूसरा कोई गेट नहीं है। अच्छा, ये 786 यहाँ से एंट्री और यहीं से एग्जिट? यहीं से एग्जिट है। ये कहाँ से है? चार रास्ते, एक बंद, एक सही, एक गलत है, एक क्या खड़ा है, चार हो गए। अच्छा, एक गलत रास्ता कुछ ऐसे लोग भी आते हैं, देख लीजिए तहजीब वाले। तहजीब के शहर में कभी कभी बदतमीजों से भी मुलाकात हो जाती है, इफ यू डोंट माइंड। बिल्डिंग के पास कॉरिडोर है, यहाँ पे जब सिपाही ट्रैवल करते थे तो लैंप और मशाल यूज करते थे, अभी बिल्डिंग को 7:00 क्लोज कर दिया।
अभी इसमें कोई नहीं घूमता, पहले सिपाही यहाँ पे प्रबंध करते हैं, ठीक है। ये थ्री, ये गैलरी की लंबान है, लेंथ है 330 फीट, इसकी वेथ है 2 फीट। तो हम आपको आर्किटेक्ट एक्सप्लेन करें तो ये 2 फीट का रास्ता है, सेकंड फ्लोर पे जब पहुँचेंगे 3 फीट हो जाएगा, थर्ड फ्लोर पे पहुँचेंगे 8 फीट हो जाएगा, 2, 3, 8 पहले होंगे सबवे, फिर हो जाएंगे हाईवे। ऐसे बिल्डिंग को बैलेंस करा आर्किटेक्ट ने ताकि बिल्डिंग गिरे ना। लाइम स्टोन से बनी हुई, दाल चावल गुड़गोंद से बनी हुई, बहुत चीज़ें हैं हम बताएंगे। पहले यहाँ पे एक टनल अंडरग्राउंड जिसमें अंग्रेज भूल गए थे, कभी वापस नहीं जाएंगे। आप जरा ये देखिए, अभी इतनी लाइट में आपको इतना दिख रहा है ना, अभी लाइट में बंद कर रहा हूँ, जेट ब्लैक अंधेरा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। यहाँ से हम आप साहब के पैलेस तक अंडरग्राउंड रास्ते बनाए गए थे अपनी सेफ्टी के लिए, अगर उनके पैलेस पे कोई एनिमीज अटैक कर दो उनके सिपाही अंडरग्राउंड यहाँ पर आ जाए, यहाँ से वहाँ चले जाए किसी को ना पता चले। इन रास्तों में अंग्रेजों की फौज जब उस समय पर गई थी और जब वापस आई थी तो कुछ सिपाही अंग्रेजों के इसी में रास्ता भटक गए थे, जो वापस नहीं निकले 3-4 दिन तक देखने के बाद इंतजार। रास्ते अंग्रेजों ने इसे बंद करवा दिया, अभी तक बंद है, और ये रास्ते दिल्ली कलकत्ता फैजाबाद इलाहाबाद आगरा हाईवे रोड तक जा सकते थे, वो हाईवे तक दिल्ली तक थे। अगर दिल्ली जाते हो तो कई लोगों को हम दिल्ली यहाँ से भेज देते आधे टिकट पे, बट मेरी बदकिस्मती पैदल कौन जाता है, हाईवे तक जाते दिल्ली तक। लकड़ी दिख रही है दरवाजा, यहाँ पे ऊपर से बंद होता था लकड़ी के दरवाजा, टूट गया दीवार उठा दी ताकि यहाँ से नीचे ना गिरे। यहाँ पे वन स्टेप डाउन है, जी हाँ स्टेप डाउन है, यहाँ पे वन स्टेप नीचे देख के आएंगे, वहाँ पे चल रहे हैं जहाँ पे नवाब साहब के स्नाइपर बैठते थे। ये पबजी वाला है क्या? देखिए ये स्टेप दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्टेप जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिपाही बैठ के टेलीस्कोप नेचुरल देखे, मेन एंट्रेंस गेट डिस्टेंस 900 फीट, यू कैन सी देयर। ऑटो रिक्शा दिख रहा है, यहाँ से शूट कर देंगे लॉन्चर से, लेकिन आदमी मर जाएगा, ये नहीं पता चला गोली कहाँ से चली। यहाँ पे कोई नहीं देख सकता, देख के इमेजिन नहीं कर सकता यहाँ कोई बैठा है। क्लियर है एकदम, बाहर से तो कोई देख ही नहीं सकता। सही से चले, ये पतला रास्ता है। पहला गेट आपने देखा वहाँ से आप इंटर हुए, ये दूसरा गेट है, ये भी दिखता है यहाँ से भी, ये ब्लॉक।